बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने बहुत से टैग सीखे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टैक्स एरिया बनाना सीखा था और आज हम एक कंप्लीट फॉर्म सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और HTML को स्टेप बाई स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। मैं फैसल रहमान एंड वेलकम टू एआर सॉल्यूशन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्स्ट एरिया के बारे में सीखा था। आज हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे थ्रू CSS एंड HTML। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कोडिंग मैं पहले कर लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, और नीचे इसको क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले इसमें रख लेते हैं फर्स्ट नेम। उसके बाद लाइन ब्रेक रख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसमें टैग शुरू करते हैं। इनपुट टाइप बराबर है टेक्स्ट के, नेम बराबर है एफ नेम, इनके फर्स्ट नेम। अब इसको कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, आगे br टैग आगे नेक्स्ट लाइन में आए। आगे सेकंड आप सेकंड रख लेते हैं ऑप्शन। लास्ट नेम, ठीक है। अब इधर br, अब इधर इनपुट टाइप स्टार्ट करते हैं। इनपुट टाइप बराबर है ये भी टेक्स्ट है। ठीक है, आगे नेम, आगे नेम, लास्ट नेम। ठीक है, एल नेम का मतलब है लास्ट नेम, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। आगे डी आर, ठीक है, ये ट्रू टैग लगा लिया। आगे एड्रेस, ठीक है, फिर मैं बी आर लाइन ब्रेक। ठीक है, इधर इनपुट टाइप, ठीक है, इसका ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, आगे नेम बराबर है एड्रेस। ठीक हो गया, और उसके बाद क्लोज टैग एंड बी आर। ठीक हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें टेक्स्ट एरिया ले आते हैं। तो टेक्स्ट एरिया जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, टेक्स्ट एरिया टैग शुरू करते हैं। टाइप, ठीक है, आगे रोज इसमें ले देते हैं जो विजिबल हो, 3, एंड कॉल्स ले लेते हैं 30। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। आगे नेम रख लेते हैं वहां से, इसको क्लोज करके और कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं कि ये सही बन रहा है। मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से ओपन करते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें बिल्कुल सही बन रहा है। अब ये टेक्स्ट एरिया थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे करना है। इधर आ जाते हैं, इधर लाइन ब्रेक लगा लेते हैं दो दफा।
बी आर, ठीक है, इधर भी मैं लाइन ब्रेक बी आर, एक दोबारा बी आर, कंट्रोल एस, अब मैं इधर आ जाता हूँ कंट्रोल आर, तो दोस्तों ये देखिए टेक्स्ट एरिया थोड़ा नीचे आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें ना एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, ठीक है, तो इधर लिख लेंगे प्लेस होल्डर, ये ठीक है बराबर है राइट क्यूरी, तो ठीक है मैं डैश डैश डैश, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी कर देता हूँ इधर से, ठीक एरिया, यहाँ से देखिए, ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब इधर आता कंट्रोल आर, तो दोस्तों ये देखें हमने एक सिंपल फॉर्म बना लिया जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस और टेक्स्ट एरिया आ गया। अब मैं इसके नीचे सबमिट बटन और रीसेट बटन को भी ऐड करना, ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट टाइप, आगे बराबर है, फर्स्ट करें सबमिट बटन था ना, पहले सबमिट ले लेंगे, आगे स्पेस देके वैल्यू, ठीक है, आगे यहाँ इसमें भी सबमिट लिख लेना, सबमिट बटन के लिए जो वैल्यू यूज होती है, ठीक है, आगे यहाँ से क्लोज कर देंगे, अब नीचे आ जाएंगे, अब फिर स्टार्ट इनपुट टाइप, अब रीसेट, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, अब इसमें रख देंगे रीसेट, ठीक है, अब इसको क्लोज कर देंगे, अब कंट्रोल एस, अब इधर आ जाएंगे कंट्रोल आर, तो दोस्तों ये देखें एक सिंपल फॉर्म जो है बड़ी खूबसूरती के साथ बन गया। अब इसको फॉर्म की शक्ल देनी है कंप्लीट फॉर्म की, तो वो उसके लिए हम सी एस एस का यूज करेंगे, और इंशाल्लाह हम ये दो तीन एच टी एम एल के लेक्चर के बाद हम सी एस एस स्टेप बाई स्टेप स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि सी एस एस का क्या यूज है, ठीक है। अब हम इसको डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम सी एस एस का यूज करेंगे, सी एस एस जो होती है हमेशा हेड के नीचे होती है, तो उसके लिए स्टाइल टैग यूज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं स्टाइल टैग को, ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी बॉडी ले लेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर ली ब्रैकेट, अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं रख लेता हूँ पिंक, और क्लोज करने के लिए कॉलन यूज होता है, और यहां से क्लोज कर ली ब्रैकेट, अब इसके फॉर्म की डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो इधर लिख लेंगे पहले फॉर्म, ठीक है, अगर स्टार्ट कर ली ब्रैकेट, सबसे पहले हम इसकी विथ रखते हैं, ठीक है, तो विथ इसकी हम रख लेते हैं 400 px, ठीक है, इसका जो क्लोज करने के लिए इसमें कॉलम यूज होता है, उसके बाद पैडिंग आ जाएगी, जैसे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसमें टेबल में हमने पैडिंग का यूज किया था, तो मिलती जुलती डिजाइनिंग है उससे, तो पैडिंग पैडिंग रख लेते हैं 20 px, ठीक है, उसके बाद इसका मार्जिन आ जाएगा, ठीक है, मार्जिन हम इसका ऑटोमेटिक रख लेते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो मैं रख लेता हूँ रेड, उसके बाद फॉन्ट साइज आ जाएगा, फॉन्ट साइज मैं इसका रख लेता हूँ
20 पिक्सल। और फॉन्ट कलर मैं रख लेता हूँ इसका वाइट, क्योंकि रेड है तो वाइट सही नजर आएगा। ठीक है, ये जो होगी फॉर्म की कंप्लीट डिजाइनिंग, इसको यहां से क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें आ जाता है टेक्स्ट, तो उसके लिए इनपुट आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगी वर्कस्पेस स्टार्ट टाइप, इनपुट टाइप क्या था, टेक्स्ट का यूज हुआ था, लिख लेना टेक्स्ट। ठीक है, अब बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब इसकी बॉडी ले लेनी है, स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी विथ, विथ हम रख लेंगे इसकी 100%। ठीक है, और उसके बाद, इसके बाद पैडिंग आ जाएगी। पैडिंग इसकी हम रख लेंगे 10 px। ठीक है, पिक्सल। और उसके बाद फॉन्ट साइज आ जाता है, फॉन्ट साइज हम इसका रख लेते हैं 15 px। ठीक है, अब इसको टेक्स्ट की कंप्लीट कोडिंग क्लोज हो गई है। अब टेक्स्ट के बाद इसमें आ जाता है टेक्स्ट एरिया, इधर लिख लेंगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आगे बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब इधर टाइप लिखेंगे टेक्स्ट की। ठीक है, टेक्स्ट एरिया इसकी टाइप भी टेक्स्ट ही है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, आगे इसकी बॉडी ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी विड्थ आ जाएगी, विच जो है वो 100% रख लेते हैं इसके भी। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट की जो है वो पैडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसकी मैं पैडिंग में रख लेता हूँ 5 px। उसके बाद फॉन्ट साइज का रख लेता हूं मैं 10 px। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहां से क्लोज। ठीक है, मार्जिन भी इसका मैं रख लेता हूँ ऑटो, तो ये टेक्स्ट एरिया तो मार्जिन भी इसमें होगा यूज। ऑटो रख लेता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब ठीक है, अब आ जाते हैं इनपुट और आउटपुट बॉक्स की तरफ। तो यहाँ मैं लिख लूंगा इनपुट। ठीक है, बॉक्स पैकेट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सबमिट बटन आ जाएगा, तो यहाँ मैं टाइप लिख लूंगा बराबर है। ठीक है, यहाँ मैं लिख लूंगा सबमिट। ठीक है, आगे बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा कट ही इनको कर लेते हैं, बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट टाइप। ठीक है, बराबर है, आगे रीसेट आ जाएगा। ठीक है, अब बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे इसकी बॉडी आ जाएगी, स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाएगा पैडिंग आ जाएगी इसकी, 5 मेगापिक्सल कर लेते हैं, सॉरी पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, और फॉन्ट साइज आ जाता है, फॉन्ट साइज इसका मैं 10 पिक्सल ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी बॉडी का भी कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, अब स्टाइल टैग को भी कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं मैं कंट्रोल एस जी। ऐसा क्यों आया, तो उसके लिए हम
देखते हैं क्या मसला है। जी स्टाइल टैग को हमने क्लोज भी करना है यहां से। अब इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा, अभी तक आ जाऊंगा कंट्रोल आर। तो देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती के साथ हमने फॉर्म का सैंपल तैयार कर लिया। तो इस तरह से हम HTML में CSS और HTML के थ्रू फॉर्म तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।